और अब 3 मिनट में 10 खबरें। रूस और ब्रिटेन में अगले हफ्ते से होगा कोरोना टीकाकरण। फाइजर और बायोनटेक कंपनी ने टीका के लिए कई देशों के साथ किया समझौता। वार्षिक डीजीपी और आईजीपी वर्चुअल सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने की देश की आंतरिक स्थिति की समीक्षा। बिहार में एक सीट के राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। कल भाजपा के सुशील कुमार मोदी के साथ एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी ने किया नामांकन। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से सहायक प्राध्यापक के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 10 दिसंबर तक बढ़ाई गई। कोविड के संबंध में नया दिशा निर्देश जारी होने के बाद बोधगया का प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर भी दर्शन के लिए खोला गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी की पूजा अर्चना। विभिन्न जिलों में सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जा रहा है व्यापक अभियान। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र में भी चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत स्वीकृति से संबंधित काउंसलिंग और प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। प्रदेश में कला एवं संस्कृति मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कांग्रेस किसानों को आंदोलन के लिए उकसा रही है। लोजपा ने प्रदेश की सभी इकाइयों को किया भंग। चिराग पासवान ने लोजपा की हार को लेकर की थी समीक्षा बैठक। भारत के प्रतिष्ठित कारोबारी पद्मश्री धर्मपाल गुलाटी का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर कई गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया।